तो अभी हम देखेंगे एमएस वर्ड में फॉन्ट एंड अलाइनमेंट फीचर्स। तो जैसे कि ये आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, ये हमारी रोज हैं, और जो हमें A, B, C, D इस प्रकार दिख रहे हैं, ये हमारे कॉलम्स हैं, और पर्टिकुलर ये जो बॉक्स बन रहे हैं जहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं, ये हमारा सेल होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे 1 टाइप किया, तो 1 को अगर मैं डायरेक्टली ड्रैग डाउन करूँगा, पकड़ के नीचे खींचता हूँ, तो ये 1 ही रहेगा। तो अगर मैं चाहता हूँ ये सीरियल वाइज आए, तो कंट्रोल की प्रेस कर लीजिए। अब देखिए डबल प्लस शो हो रहा है हमें, डबल प्लस आ रहा है 1 के कॉर्नर पे कंट्रोल दबाने से। तो कंट्रोल दबा के आप इसको नीचे खींच दीजिए, ड्रैग डाउन कर दीजिए, तो आप देखेंगे हमारे सीरियल हो चुके हैं। अभी मैं चाहता हूँ कि ये हमारा थोड़ा डार्क हो जाए, तो उसके लिए हमारे पास बोल्ड फीचर है। बोल्ड शॉर्टकट इज Ctrl+V, तो यहाँ से आप इसको बोल्ड अनबोल्ड कर पाएंगे। जैसे ये ऑरेंज कलर में आ रहा है, मीन्स ये फंक्शन अपना काम कर रहा है, ये एक्टिव है। देन इटैलिक अंडरलाइन, तो एक्सेल में हमें दो तरह की अंडरलाइन मिलती है, सिंपल अंडरलाइन सिंगल है ये, और यहाँ से डबल अंडरलाइन, जैसे भी हमें नीड है वैसे ही चूज कर सकते हैं। तो सिलेक्शन करके अगर हम चाहते हैं कि इसके ऊपर हमारा बॉर्डर लगा हुआ है, तो यहाँ से हम बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं, लाइक बॉटम बॉर्डर। तो अभी आप देखेंगे बॉटम पे बॉर्डर लग चुका है। अगर मैं चाहता हूँ इसके ओवरऑल सारे पे बॉर्डर लगे, तो ऑल बॉर्डर अप्लाई कर देंगे। देखिए सारे पे बॉर्डर हमारा अप्लाई हो जाएगा, है ना। तो अभी देखिए इसका मैं फॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आकर के मैं अपना फॉन्ट, कोई भी फॉन्ट जैसा डिज़ाइन मेरे को चाहिए, मैं वैसे ही, यहाँ से देखिए टेक्स्ट स्टाइल चेंज हो रहे हैं मेरे, यहाँ से अप्लाई कर सकता हूँ कोई भी मेरे को जो नीड है। देन यहाँ से फॉन्ट का साइज़ हम ग्रो कर सकते हैं जितना भी अपने को नीड है। लाइक प्रीव्यू हमें साथ के साथ मिलता है एक्सेल में इसको देखने में, तो लाइक दिस। साथ में हमारा इंक्रीज फॉन्ट साइज आ रहा है, ए के साथ देखिए ऊपर को ट्रायंगल है, मीन्स ये ग्रो करेगा, जितना हम सिलेक्शन करेंगे उतने को ग्रो करेगा। तो यहाँ से डिक्रीज हो जाएगा, तो इससे हमारा ये श्रिंक होगा, देखिए श्रिंक, तो यहाँ से ग्रो होगा और इधर से हमारा श्रिंक होगा। देन द नेक्स्ट वन इज कि मैं चाहता हूँ कि इसके बैक साइड में कोई कलर लग जाए, सिलेक्शन करके ये शेडिंग है हमारे पास फिल कलर, यहाँ से मैं कोई भी कलर का शेड इस पर अप्लाई कर सकता हूँ, कोई भी कलर भर सकता हूँ। जैसे इसमें कोई कलर मेरे को फिल करना है, तो कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं हम यहाँ से। तो अभी मेरे को चाहिए कि इसके फॉन्ट का कलर भी चेंज हो जाए, तो जितना मैं सिलेक्ट करूँगा उतने डेटा का मैं यहाँ से फॉन्ट का कलर चेंज कर पाऊँगा। जैसे मेरे को 1 का चेंज करना है, तो मैं 1 को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से इसका कलर चेंज कर दूँगा। 2 का कलर चेंज करना है, लाइक मैं इधर से इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, तो यहाँ से फॉन्ट का कलर चेंज होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या है कि हमने जैसे ये कुछ भी टेक्स्ट टाइप किया, अब देखिए यहाँ से मैं इसको पकड़ के सेल को बड़ा छोटा कर सकता हूँ, लाइक दिस। देखिए पूरी रो और कॉलम लार्ज इन लार्ज हो रहे हैं, तो यहाँ से मैं चाहता हूँ कि टॉप पे आ जाए, मिडल पे रहे या बॉटम पे, तो इसके लिए इन फीचर्स का यूज़ किया जाएगा। टॉप अलाइनमेंट, मिडल अलाइनमेंट, देन बॉटम अलाइनमेंट। तो यहाँ से आप लाइक लेफ्ट साइड में चाहते हैं सेंटराइज आ जाए, या राइट साइड में हमारा टेक्स्ट हो, तो मैं यहाँ से इसको अप्लाई कर सकता हूँ, तो लाइक दिस। उसके बाद नेक्स्ट है इंक्रीज, देखिए इंक्रीज होता जाएगा हमारा इंडेंट इस प्रकार से, डिक्रीज से ये थोड़ा बैक जाएगा इस प्रकार। देन मैं चाहता हूँ कि ये किसी एंगल पर हो जाए, तो फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में चले जाएंगे हम, यहाँ से हमारे पास ये एंगल का ऑप्शन है कि कितने डिग्री पे मैं इसको रोटेट करना चाहता हूँ, लाइक 45। ओके, तो ये 45 डिग्री पे हो चुका है, तो यहाँ से मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, क्लॉकवाइज हो जाए, वर्टिकल टेक्स्ट हो जाए, अप हो जाए, डाउन हो जाए, या फिर फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में जा करके जैसा भी मेरे को नीड है मैं यहाँ पे उतना डिग्री ओके कर दूंगा। इसके बाद हमें देखने को मिलता है रैप टेक्स्ट, इसका यूज़ क्या है, देखिए यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ दिस इज़ ए कंप्यूटर, लाइक मैंने ये टाइप किया कि मैं चाहता हूँ कि ये एक ही सेल में एडजस्ट हो जाए, क्योंकि ये देखिए सेल क्रॉस कर रहे हैं ऐसे, एच और आई दोनों में जा रहा है, ये एच में भी जा रहा है आई में, मैं चाहता हूँ ये सिंगल इसी में रहे, तो रैप टेक्स्ट, नाउ यू कैन सी, देखिए एक में ही सेटल हो जाएगा हमारा ये। देन द नेक्स्ट वन इज़ द मर्ज एंड सेंटर, ये होता है कि मैंने कोई भी लाइन, जैसे मेरी ये रो है ये मैं खाली करना चाहता हूँ यहाँ पे, लाइक किसी स्कूल का नेम देना है, फर्म का नेम देना है, एनीथिंग, कोई भी शॉप का नेम देना है, तो मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर दूंगा, तो ये हमारे पास खाली हो जाएगी उतनी, जैसे द जीनियस इंस्टीट्यूट रानिया रोड सिरसा, लाइक दिस। तो इस प्रकार, तो अगर हम
इस पे दोबारा क्लिक करेंगे तो ये अनमर्ज हो जाएगा। देखिए आप इसको सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर आप कर पाएंगे, मर्ज एंड सेंटर। प्रॉपर सारे को सिलेक्ट करिए, मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर दीजिएगा, जहाँ तक अपने को मर्ज करना है, मर्ज एंड सेंटर। ग्रो, यहाँ से आप इसके अंदर कलर फिल कर पाएंगे, कोई भी कलर। यहाँ से आप कोई भी फॉन्ट कलर दे सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, डबल अंडरलाइन, सिंगल अंडरलाइन, जैसे भी नीड हो।